नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए INDIA गठबंधन में शामिल दलों ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ भी तय नहीं हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बन रही है। लगातार INDIA गठबंधन के नेता बैठक भी कर रहे हैं, पर सीट शेयरिंग में हो रही देरी को लेकर अब CM नीतीश कुमार की पार्टी जदयू सीधे तौर पर कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने लगी है। जदयू के MLC खालिद अनवर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए मंगलवार को एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खालिद अनवर ने कहा कि कांग्रेस कभी इलेक्शन तो कभी अन्य चीजों में व्यस्त रही, जिसके कारण सीट शेयरिंग में देरी हुई। सीट शेयरिंग का मामला अभी तक फंसा हुआ है। बदकिस्मती है कि जिस पार्टी की लीडरशिप में आगे बढ़ना चाह रहे थे, उस पार्टी की रफ्तार वो नहीं है जो हम चाह रहे हैं। कांग्रेस में पार्टी का सिस्टम ज्यादा है, उसमें कई ग्रुप हैं। जिस उदार दिल से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। खालिद अनवर ने आगे कहा कि हम देश में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं और कांग्रेस सीटें गिनने में लगी है। 17 सीटें तो हमारी है ही, ये हमें मिलनी ही चाहिए। बाकी सीटों पर RJD और कांग्रेस को जल्द बात करनी चाहिए। नीतीश कुमार ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए विपक्षी एकता नहीं की थी, देश के 130 करोड़ लोगों के लिए किया है। हम अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकते, बाकी पार्टियों को तय करना है उन्हें हमारे साथ रहना है या नहीं। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इससे पहले ये बात कह चुके हैं कि कांग्रेस का ध्यान लोकसभा चुनाव पर नहीं है। CM ने यह बयान तब दिया था जब कुछ महीने पहले ही 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था। अब एक बार फिर नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है।